नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कंप्यूटर बाबा आज धार शहर में पहुंचे। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा के द्वारा साधु संतों के साथ गोमाता रक्षा सेवा यात्रा के तहत धार पहुंचे। धार पहुंचकर धारेश्वर मंदिर में दर्शन कर धार शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शहर के प्रमुख मार्गों से गोमाता बचाओ पैदल यात्रा निकाली गई। उनके साथ इस यात्रा में सैकड़ों संत भगवा ध्वज लिए चल रहे थे। मीडिया से रूबरू होने पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि गोमाता मध्य प्रदेश की सड़कों पर तड़प तड़प कर मध्य प्रदेश में सड़कों पर मरने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार अपने आप को सनातनी धर्म की सरकार कहती है, सनातनी सरकार कहती है। आज परिस्थितियां ऐसी है कि साधु संत, जनता, जनार्दन सबके हाल बेहाल हैं। देखिए क्या कुछ कहा कंप्यूटर बाबा ने, खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। वो बंद किया तथा कथित जो अपने आप को बहुत धार्मिक और सनातनी सरकार बोलती है और खुद का प्रमाण पत्र खुद को देती है, उसके ये कुछ उदाहरण हमने आपके सामने प्रस्तुत किए कि गौ माता पूर्ववर्ती सरकार जो हम लोगों के ही मांग से हजारों गौशालाओं का निर्माण करवाया था, उनका संचालन सुचारू रूप से करवाया था, गौ अभयारण्य बनवाए थे। सरकार अपने जमाने में आज सात संत भी सड़कों में है, गौ माता भी सड़कों में है, तो क्या इन्हें चुनना है या उन्हें चुनना है? जो कमलनाथ जैसे कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने गौ माता की दिया गया, इसलिए हम सब लोग जनता जनार्दन के माध्यम से ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग ऐसी सरकार को लाना चाहते हैं जो गौशालाएं निर्माण करके विज्ञापन नहीं मिले। बाबा जी, आज आप ये धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है? गौ माता आज तड़प तड़प के मध्य प्रदेश की सड़कों में मरने को मजबूर है। मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार अपने आप को सनातनी धर्म की सरकार कहते हैं, सनातनी सरकार कहते हैं। आज परिस्थिति ऐसी है कि साधु संत, जनता जनार्दन सब बेहाल हैं, सभी सनातनी बेहाल हैं कि आज सनातनी कहने वाली सरकार और आज जनता के सामने आज मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं। मरना एक अलग बात है, तड़प तड़प के मर रही हैं। आज परिस्थिति ये है कि नाना प्रकार की योजनाएं गौ माता के लिए तो नहीं आई, पर नाना प्रकार की योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सरकार ने, डब्बा डब्बी की योजना, जूता चप्पल की योजना, छाता की योजना, नाना प्रकार की बहुत सारी योजना लाए, पर गौ माता की योजना नहीं लाए। और चूँकि गौ माता वोट नहीं देती है, यदि गौ माता वोट देती तो ज़रूर गौ माता के लिए कोई ना कोई योजना लाती। इसका मतलब है कि ये सच्चे सनातनी नहीं है, ये ढकोसला सनातनी है। अपने आप को सनातन, केवल वोट मांगने के लिए बस सनातन धर्म की बात करते हैं। और गौ माता जैसी को जो जिनके 33 करोड़ देवी देवता इनके समावेश हैं गौ माता में, वो उनको जिस ढंग से छोड़ा गया है, आज हमारे नवीनंद महाराज ने इस बात को कहा कि कमलनाथ सरकार ने हजारों गौशालाएं बनाई और हजारों गौशालाएं बनाने में जो अहम भूमिका निभाई, उनका आज परिस्थिति यह है कि शिवराज सरकार ने सारी गौशालाएं को बंद कर दी, चारा पानी बंद कर दिया, उनके ग्वाला बंद कर दिए। आज ये हाल है कि गौ माता गौशाला में नहीं, सड़कों में पड़ी है और मरने को मजबूर है। आज आप इतने समय बाद जो है, अब चुनाव आए हैं तो आप ये गौशाला की बात कर रहे हो, गाय माता को बचाने की बात कर रहे हो, देखिएगा क्यों याद आई? नहीं, मैं याद नहीं, मैं बराबर, यदि आपको नहीं मालूम तो मेरे पास सारे प्रूफ देट है। अभी 4 महीने मैंने अनशन कर दिया था, जब 25-30 गाय मरी हुई थी जबलपुर टू भोपाल बीच में, कम से कम 20 से 25 गाय मरी थी। गाय सुबह निकल रहा था, गाय के बीच में बैठ गया और 6 घंटे तक अनशन किया। सारे अधिकारी आए, फिर कलेक्टर, SP सब आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहिए, आज ही शाम को ऑर्डर करते हैं कि गौ माता हम नहीं मिलेंगी। फिर उन्होंने शाम को आदेश भी किया कि मैंने, हम लोग जब उठे उस समय तो उन्होंने आदेश भी किया कि कोई भी गौ माता यदि रोड में दिखेगी तो सचिव पंचायत के स्तर पर उनकी कार्रवाई की जाएगी। परंतु एक डेढ़ दिन, दो दिन, तीन दिन तो चला, तो लगातार हम लोग प्रयास करते रहे और गौ माता के लिए बोलते रहे। पर जब आज परिस्थिति ये हुई कि सारी झुंझुना पकड़ा दिए इन्होंने, सभी को सारी योजनाएँ तो ले आए, गौ माता की योजना नहीं लाए, तो फिर संत क्या करते? सर दर्शन संत समिति ने ये सोचा कि हम तो देख नहीं सकते गौ माता को ऐसे मरते, तड़प तड़प के मरते तो देख नहीं सकते, इसलिए गौ माता के लिए हम लोग आज जनता के सामने इसलिए आए हैं कि जनता को हम निर्णय करना है कि वोट किसे देना है। ये गौ माता जो तड़प तड़प के मरे इनको देना है कि जिन्होंने हजारों गौशालाएँ बनवाई थी उन्हें देना। चुनाव के वक्त जो सनातनी
भी बात बीजेपी करती है तो कमलनाथ जी को भी वो कहती है वक्त वक्त पे वो सनातनी बन जाते हैं। नहीं, यदि आप कमलनाथ और शिवराज में आप फर्क नहीं है, एक चीज़ का जरूर फर्क है, शिवराज जी में सनातनी एक ढीला का नहीं है, केवल चुनाव का टाइम आता है तो सनातनी सनातनी की बात करते हैं। आज हम संत समाज सब परेशान हैं, शिवराज सरकार में सब परेशान हैं, गौ माता परेशान है, मैं नहीं, आप खुद बताइए आपके यहाँ कितनी गौशालाएँ मरने को मजबूर हैं, आज गौ माताएँ मरने को मजबूर हैं, आज अवैध खनन हो रहे हैं नर्मदा में देख लीजिए आप, आज मठ मंदिर के क्या हाल हैं, आज जमीनों की नीलामी की जा रही है मठ मंदिरों की, तो सनातनी सब परेशान है। और रहा सवाल कमलनाथ सरकार में, तो 15 महीने में ही उन्होंने हजारों गौशालाएं बनाई, तो बताइए सनातनी वो है कि ये? तो शिवराज सिंह चौहान सनातनी नहीं है, आप कहिए। मैं कह रहा हूँ कि सनातनी नहीं है, और गौ माता जो वो सोच रहे हैं, गौ माता वोट नहीं दे, इसलिए भले वो डब्बा डब्बी की योजना ले आए, जूता चप्पल की योजना ले आए, छाता की योजना ले आए, गौ माता की योजना नहीं लाए, पर ये ना समझे शिवराज जी, गौ माता वोट तो नहीं देगी पर शराब जरूर देगी। धन्यवाद।